बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जो भरी पड़ी है हॉरर। तो हमारा टॉपिक है हॉरर फैक्ट्स। आपने मेरी वीडियो पहले भी देखी होगी हॉरर फैक्ट्स की, वो मेरी सबसे पहली वीडियो थी यूट्यूब पर। अगर नहीं देखी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आज भी वही मैं करने लगी हूँ, बट सेम वही नहीं होगा, ये थोड़ा ज़्यादा स्केरी होगा, क्योंकि इस बार मैं पूरा छांट छांट के लाई हूँ हॉरर फैक्ट्स। तो देखते हैं आप लोगों को ये पसंद आता है या नहीं। अब फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप मेरी जो वर्ड्स हैं उसकी भावनाओं में खो जाओगे, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो लाइक कर देना। तो अभी जो हमारा वातावरण है इसको हॉन्टेड बना देते हैं, लाइक्स वगैरह बंद कर देते हैं, सिर्फ ये लाइक जलने देते हैं। तो एक मूवी आई थी एग्जॉर्सिस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी थी। लोगों ने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी है। उसका जब ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था तब भी बहुत सारे लोग डर गए थे, और उस ट्रेलर को बैन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। बट अब वो मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। है वो ये है, जब एग्जॉर्सिस्ट मूवी बन रही थी उसी दौरान बहुत सारे जो एक्टर्स उस मूवी में थे वो इंजर्ड हो गए थे, उनको चोट लग गई थी, और सेट भी एक बार बर्न हो गया था, जल गया था एक बार सेट पूरा। और वहाँ पे प्रीस्ट को बुलाया गया था, फादर को बुलाया गया था, ताकि उस सेट को वो ब्लेस कर सके और प्योरिटी दे सके वहाँ पे। मगर थोड़े टाइम बाद जब वो मूवी बन गई थी, वहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे थे, उस रोल का नाम था बूर्क, जैक मैकगॉवर्न, ये उन कैरेक्टर्स का नाम था। वो थोड़े टाइम के बाद, उस मूवी के बाद उनकी डेथ हो गई थी इन्फ्लुएंजा से। मगर ये थोड़ा सा स्केरी है कि जैसे ये मूवी बनी उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और ये बहुत गलत चीज़ है कि उनकी डेथ हो गई, और वो मूवी बहुत स्केरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप डेयरिंग हो तो आई थिंक आपको वो मूवी भी देखनी चाहिए। ये वाला है हमारे पास नेक्स्ट। इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने इसको गूगल पे भी चेक किया था, और इसमें बिल्कुल सच्चाई थी। एक आदमी रहता था फ्लोरिडा में, वहाँ पे उसके घर पे उसने उसके बेडरूम से उसका भाई वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्ला रहा था। वो फटाफट वहाँ पे गया, और उसने अपने भाई की एक अलग ही साइड देखी, मतलब जैसे एक अच्छी साइड होती है एक बुरी साइड होती है, वहीं पे उसने अपने भाई की बड़ी अलग सी साइड देखी, और वो घबरा गया उस साइड को देखकर उसकी। उसके बाद जो वो पूरा रूम था उनका, पूरा जो घर में जितने भी रूम्स थे वो सारे स्वेलर्ड हो गए, एक सिंक होल था वहाँ पे। अब पता नहीं वो सिंक होल कैसे बना, और मतलब पूरी चीज़ें एक सिंक होल में जाना पॉसिबल है, बट अगर एक नेगेटिव प्रेजेंस है तो फिर ये पॉसिबल है कि उसका पूरा जो एंटायर रूम था वो एक सिंक होल में चला गया, और वो बॉडीज़ कभी भी मिली ही नहीं। रेस्क्यू भी किया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन जब चला था तब भी वो बॉडीज़ उन दोनों की ही नहीं मिली थी। थोड़ा मतलब अजीब सा था कि वो पूरा रूम उसका पूरा सिंक होल में कैसे जा सकता है, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे कोई नेगेटिव प्रेजेंस होगी, तभी इसी वजह से ये चीज़ हुई थी। थोड़ा बुरा लग रहा है उनके लिए कि एकदम से लाइफ कैसे पलट गई उन दोनों की। ये जो है ये हॉरर नहीं है इतना, बट तो इसमें थोड़ा दर्द छुपा हुआ है। कम से कम एशिया में 4 मिलियन कैट्स खाई जाती हैं हर साल वहाँ पे 4 मिलियन कैट्स खाई जाती है। मतलब उन कैट्स का क्या, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो मतलब लोग वहाँ पे उनको ऐसे खा जाते हैं, और कितना अजीब सा लगता होगा उसको खाते हुए या फिर उनको मारते हुए। तो ये भी एक हॉरर फैक्ट ही है कि कैट्स को मार के खाना, ये हमारे लिए जो लोग नहीं खाते, ये जो मतलब ये चीज़ को सुनते ही अजीब सा फील करते हैं, हमारे लिए तो ये हॉरर फैक्ट ही है कि वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे खा सकते हैं एक मासूम सी छोटी सी जान। तो ये वाला देख ही सकते हो आप यहाँ पे फोटो पे। माइक एक हैन का नाम था, एक चिकन का नाम था, और वो हेडलेस था, मतलब उसका सर कटा हुआ था, और सर कटते हुए भी जब उसका सर कटा तब वो 18 मंथ्स तक ज़िंदा था। मतलब एक हेडलेस चिकन, बिना सर का चिकन इतने टाइम तक कैसे ज़िंदा था, ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर हमारा सर कट गया है तो हम ऐसे कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, वो भी 18 महीने तक। अगर हम देखें कि 2 घंटे ठीक है, बट 18 महीने तो बहुत ही ज़्यादा हो गया एक्चुअली। तो बहुत सारे लोगों ने इट मूवी देखी होगी, IT, जो जोकर वाली मूवी थी जिसमें जोकर था, उसके 2 पार्ट्स आए थे। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखना, यूट्यूब पे या फिर नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगी आपको।
तो ये जो मूवी थी जिन्होंने देखी है, ये मूवी एक रियल इवेंट पे बेस्ड है, ये चीज़ रियल है कि जो डेरी था, डेरी उस जोकर का नाम था जो उस मूवी में है, वो एक अननोन पावर, एक अजीब सी पावर से कंट्रोल होता था वो, और हर 27 ईयर्स के बाद, हर 27 ईयर्स के बाद वो वापस आता था, और तभी वहाँ पे इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी, मिस्टीरियस चीज़ें होती थी, बिल्कुल अननोन चीज़ें। और जब 27 ईयर्स के बाद वो आता था तो इतने सारे जो बच्चे थे वहाँ पे वो मर्डर हो जाते थे या किडनैप हो जाते थे, ऐसे होता था उनके साथ। तो काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर एक दिन एक बच्चा बिना हाथ के दिखा, एक उसका हाथ था, लेफ्ट आर्म, वो मिसिंग था, और उस वक्त लोगों ने वहाँ पे उसको देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ गए थे कि, और बट उस बच्चे की ब्रेवरी भी थी कि वो वहाँ से भाग के आए। ये बहुत ही पुरानी बात है एक्चुअली में, अब मुझे नहीं पता इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बट गूगल पे तो यही लिखा हुआ है। 27 ईयर्स के बाद वो आता था डेरी, और तभी इसी वजह से, इसी रीज़न से हॉलीवुड वो मूवी बनाता था, हॉलीवुड वो मूवी बनाता था हर 27 ईयर्स के बाद, यही मूवी इट का पार्ट रिलीज़ किया जाता है। पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, बट शायद हो सकता है ये सच हो। तो नेक्स्ट है लूसिड ड्रीम, ये सपने के बारे में है। लूसिड ड्रीम एक सपना होता है जिसमें हमें पता होता है, जैसे हम ड्रीमर है, हम सपना देख रहे हैं, हमें ये चीज़ पता है कि भाई हम सपना देख रहे हैं, उस वक्त हमें अवेयरनेस है कि भाई हमें सपना आ रहा है, हम देख रहे हैं। जैसे कभी कभी बेहोशी में नहीं पता लगता, सो रहे होते हैं तो नहीं पता होता कि हमें सपना देख रहे हैं, सुबह सुबह हम भूल भी जाते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, बट इस ड्रीम में हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं। और इस ड्रीम के दौरान जो ड्राइवर यानी हम हैं, हम अपने इस ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें, जैसे अगर हम ड्रीम में गाड़ी चला रहे हैं तो अगर हम इसको कंट्रोल करें कि हम गाड़ी रोक दें तो फटाफट से गाड़ी भी रुक जाएगी। मतलब साफ सीधी बात यह कि ये ड्रीम हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप, ये अपने आप मूवी नहीं चलेगी, बट हम इसके डायरेक्टर होंगे और हम चलाएंगे इस मूवी को, और हम ही एनवायरनमेंट डिसाइड करेंगे इसका, हम जो जो हम सोचेंगे उस ड्रीम के दौरान उस वही वही चीज़ें हैपन होंगी। मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है कि जब मुझे पता होता था कि मुझे सपना आ रहा है एंड मैं उस चीज़ को वो कर सकती थी कि ऐसे होगा वैसे होगा, जिस जिसको ये ऐसे ड्रीम आए हैं या फिर उनको ऐसे लगा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। कॉमन है भांगड़ फोर्ट, जो इंडिया में है, सबको ही पता होगा इसके बारे में। भांगड़ एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे महल, और वो बहुत पुरानी जगह है, वो बहुत स्केरी जगह है, और वहाँ माना जाता है कि सनसेट के बाद वहाँ पे लोगों का आना जाना मना है, बाहर रात को घूमना भी मना है, क्योंकि वो एक हॉन्टेड प्लेस है। मैंने भी इसके बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज बनी है, मेरे जो दोस्त हैं दो तीन, उन्होंने भी मुझे बताया कि वो एक दिन भांगड़ जा रहे थे, वापस आते वक्त उनकी जो कार है उनके टायर फट गए थे, और बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ें होती रही थी जब वो जा रहे थे और आ रहे थे। तो ये चीज़ें मैं ज़रूर एक बार भांगड़ फोर्ट जाना चाहूँगी इस पेंडेमिक के बाद, मैं पक्का चाहूँगी और वहाँ पे व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। सिर्फ सुनने में आई है मुझे, अब मुझे नहीं पता इस चीज़ में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। तो कम से कम ये दिल्ली से 200 माइल्स अवे है भांगड़ फोर्ट, और ये एकदम मतलब अबंडेड है पूरा, ज़्यादा यहाँ पे तरक्की नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो रखी है इतनी ज़्यादा। और तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे एक प्रिंसेस रहती थी, बहुत सुंदर प्रिंसेस थी वो, और वहाँ पे काला जादू करने वाला एक पुजारी रहता था, उसने प्रिंसेस को एक परफ्यूम दिया था, मतलब किसी के थ्रू भिजवाया था, और उसमें उसने काला जादू कर दिया था कि ये प्रिंसेस जैसी उस परफ्यूम को लगाएगी वो उसकी हो जाएगी, उसके प्यार में बिल्कुल बह जाएगी। बट ये चीज़ प्रिंसेस को पता लग गई थी, तो उसने अपनी विंडो से बाहर फेंक दिया था, वो बाहर फेंका था, तो पता नहीं वो वहीं पे वो नीचे खड़ा हुआ था बंदा, और उसको लग गया था, वो लगने के बाद उसको नीचे लग गई पत्थर पे। अब ये तो कहानी है, मुझे नहीं पता क्या सच है इसमें क्या नहीं। तो उसको जब एक पत्थर से वहाँ जब वो नीचे गिरा तो उसने उसको श्राप दे दिया था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तब से वो जो है फोर्ट पूरे भांगड़ वो कर्स है, वो जो काला जादू जो करता था पुजारी उसी ने उसको कर्स कर रखा है अभी भी। तो ये बहुत ज़्यादा स्केरी था, मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ वहाँ पे एक बार। तो मूवी के बारे में तो हमने सुना ही होगा, मैंने पहले हॉरर फैक्ट्स मूवी में भी कॉन्जूरिंग मूवी के बारे में बताया था कि उसमें आखिर क्या क्या हुआ था। जो उस मूवी में एक रोल प्ले कर रही थी लेडी, उसकी बॉडी पे अनइवन मार्क्स थे, कुछ मार्क्स जैसे रेड मार्क्स ऐसे थे। तो ऐसी एक है कि जो फिलिपिनेस है वहाँ पे थिएटर्स में
जब वो मूवी ख़त्म हुई थी कॉन्ज्यूरिंग की, तो वहाँ पे प्रीस्ट को यानी फादर को बुलाया गया था ताकि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनको वो ब्लेस कर सके। और ये भी न्यूज़ आई थी कि कॉन्ज्यूरिंग मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया था। जब मैं वो मूवी देखने गई तो मुझे तो लगा था कि मुझे ना हार्ट अटैक आ जाए, बट वो मुझे इतनी डरावनी नहीं लगी। और तो वहाँ पे लोगों ने ये कंप्लेंट करी थी उन थिएटर्स में कि उनको एक ये मूवी जब वो देख रहे थे तो उनको एक नेगेटिव प्रेजेंस का फील हो रहा था, मतलब अजीब सी चीज़ फील हो रही थी। जैसे हम मूवी देखते हैं हमें अच्छा लगता है, बट वो मूवी देखते हुए उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा नेगेटिव ही फील हो रहा था। तभी वहाँ पर सबको ब्लेस किया गया था। सारे पार्ट्स कॉन्ज्यूरिंग एनेबल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब वो तो मेरे को आप रात को 3 बजे भी दिखा दो, मैं देखने को रेडी हूँ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम सपने देख रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, उस वक्त अगर आपको कोई अनफेमिलियर मतलब कोई अननोन बंदा आपको अपने सपने में दिखता है और उस दौरान, तो ऐसा हो सकता है कि उस इंसान का भूत या घोस्ट आपको उस वक्त देख रहा हो। अगर आपको वो देख रहा हो तभी वो आपके सपने में आ रहा हो और वो एक मैसेज हो आपके लिए। ऐसा मेरे साथ एक दो बारी हुआ है आज तक लाइफ में कि मैं अगर सो रही हूँ, मेरे को कोई अनफैमिलियर दिखा, मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे को वो देख रहा था या नहीं देखा, बट मेरे को उस वक्त चैन की नींद आ रही थी, ये मुझे ज़रूर पता है। लास्ट वन है कि एक ह्यूमन बॉडी जो एक इंसानी शरीर होता है, अगर उसका गला कट जाता है तो वो बॉडी कम से कम मतलब कॉन्शियस थोड़ी ज़िंदा रह सकती है 20 सेकेंड्स तक। अभी मैंने आपको एक चिकन का बताया था जो 18 मंथ्स तक ज़िंदा था और ह्यूमन बॉडी सिर्फ 20 सेकंड्स तक ही ज़िंदा थी। ऑब्वियसली चिकन में ज़्यादा प्रोटीन है तो इस वजह से वो ज़्यादा देर तक वो थी, मगर एक ह्यूमन बॉडी बिना सर कटे थोड़ी अजीब सी लगेगी, और 20 सेकंड्स तक ये बहुत वियर्ड है, एक कसम से बहुत ही अजीब था। फैक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे वो आई का ऑप्शन पता नहीं मेरे को, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी पोस्ट होएगी। मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आप कब अपनी वीडियो पोस्ट करते हो, किस वक्त करते हो, तो मैं सैटरडे एट 12:30 PM मैं अपनी वीडियो पोस्ट करती हूँ, ओके। कभी कभी थोड़ा मैं लेट हो जाती हूँ क्योंकि सैटरडे को मैं कभी कभी लेट उठती हूँ इसलिए, तो बट मैं बता देती हूँ, सैटरडे 12:30 अपने अलार्म्स लगा लेना, मेरी वीडियो आएगी, ओके। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आने वाली है, ओके, बाय।